नमस्कार, किवें है जी तुसी सारे? और किवें चलदी है जी तुहाडी पढ़ाई लिखाई? घरे सब ठीक ठाक? अपना ख्याल रखो ते पढ़दे रहो। चलो, अज दे कीते वादे मुताबिक मैं जो है तुहाडे वास्ते पंजाब जीके दी एक सीरीज शुरू कर रही हैं। और एमी बोर्ड रख लिया, सैटअप कल नूं हो जाएगा, है ना? और मैं सीक्वेंस पंजाब जीके करवाऊँगी, चाहे वह नैब तहसीलदार का पेपर रहे आने वाले समय के, चाहे एक्साइज का रहे, तो चाहे ग्रुप बी सी डी ए कोई भी रहे, उदे विच इस तो बाद पंजाब जीके नहीं आएगी। तो अज आप क्लास एक तो शुरू करांगे, और क्लास का तुसी नाल दी नाल हैडिंग अपनी कापी के उपर दे लेना, तेनू एज इट इज़ उतारते रहना। एन ओवरव्यू ऑफ पंजाब, पंजाब एक झलक वजो, तो चलो पंजाब एक झलक वजो शुरू करते हैं जी आप। तो जो मैं पंजाब शब्द लिखा जी, ठीक है ना, ये पंजाब शब्द है जी। तो पंजाब शब्द सबनों ही पता है कि दो शब्दों के सुमेल तो बने हैं, पंज प्लस आब। कितना सौखा जो क्वेश्चन है, थोड़ा लगता है कि एग्जामीनर इन्ने सौखे क्वेश्चन पूछता है? थोड़ा नहीं पूछता इन्ने सौखे क्वेश्चन। क्वेश्चन वो थोड़ा ये पूछता है कि पंजाब शब्द जो दो शब्दों के सुमेल तो बने हैं, पंज प्लस आब, वो जो ये आब शब्द है ये किहड़ी भाषा तो आया? ये आया जी फारसी तो। और इहदा जो है स्पेसिफिक मीनिंग की है, आप दा मीनिंग हुंदा है जी पानी। तो साडे कोल किन्ने पानी है जी? पंज पानी है। साडे कोल सत्त पानी सीगे, ठीक है ना जी। तो पंज आप जो है, पंजाब जो है, वो अकबर दे टाइम दे विच पहली बार शब्द वरत्या गया, क्योंकि अकबर ने तुहानू तुहाडे पंज आप दित्ते हैं, ठीक है ना जी। बिस्त दुआब, पंज दुआब दित्ते हैं असल च उहने, ठीक है ना। पंजाब शब्द पहली बारी अकबर के टाइम वरत्या गया। तो आओ अगे चलते हैं जी, ठीक है। तो पंजाबी जी है हाफिज़ बरखुरदार ने पहली बार शब्द वरत्या सीगा। आओ अगे चलते हैं जी। तो पंजाब जिहड़ा शब्द है पंज प्लस आप तो बने, तो पंज पानी केड़े हैं? तो सीकुएंस याद रखो, सीकुएंस मतलब कि पहला दूजा तीजा, तो क्रमवार किन्ने वहिंदे पए हैं तुहाडे कोल, ठीक है। तो वह पंज पानी जिहड़े क्रमवार वहिंदे हैं जी, ठीक है। उन्हां वास्ते मैनू थोड़ा जिहा तुहाडा जो है वह साथ चाहिए। बोर्ड जरा अज कैप्चर घट हो रहा, क्योंकि मैं इवें कमरे के रख के पढ़ा रही हूँ तुहानू, ठीक है ना। उपर लाइब्रेरी गर्मी बहुत है, मैं इन्हू नीचे ले आई बोर्ड न। तो आओ जरा पंजाब के ओवरव्यू नू वेखते हुए आप पंज पानिया के नाम याद करिए। तो पहला हैगा है जी जेहलम, दूजा हैगा है जी चनाब, तीसरा हैगा है जी रावी, चौथा हैगा है जी ब्यास, और लास्ट वाला हैगा है जी सतलुज। ये सीक्वेंस च फ्लो करते हैं। और ये जिहड़े पंजे दरिया, ये किहदियां ट्रिब्यूटरी हैं, किहदियां सहायक नदियां? ये नदियां हैगियां जी इंडस दियां। आह इंडस वहिंदा पिया, तो इंडस नूं इधरों आके आ नदियां ज्वाइन करदियां, तो ये किहड़े हथ वाली ट्रिब्यूटरीज हुई? तो वेखो एवें वगदा पिया ना दरिया, इस पासे नूं वगदा पिया इंडस, तो ओदियां जिहड़ियां खब्बे हथ तो आके जुड़दियां पईआं खब्बे हथ वाली ट्रिब्यूटरी हैं, जिहड़ियां सज्जे हथ तो मिलणगियां सज्जे हथ वाली ट्रिब्यूटरी हैं जी, ठीक है ना। नहीं समझ आई कहानी? एड्डी तो कोई मुश्किल है भी नहीं। आ वेखो जी, यही है तुहाडा भारत। भारत का जिहड़ा आ वाला हिस्सा है, इत्थे ग्लेशियर है। इन्हां ग्लेशियरां दे विच्चों एक ग्लेशियर है चीमा युंगडुंग। किहड़ा ग्लेशियर है? चीमा युंगडुंग, सी एच डबल ई एम ए चीमा युंगडुंग। उस ग्लेशियर चो एक लेक बनती है जी मानसरोवर लेक। उस लेक चो एक रिवर ओरिजिनेट हुंदा है, जो बाया जम्मू कश्मीर होके पाकिस्तान तो अरेबियन सी च मर्ज हुंदा है। वही रिवर का नाम इंडस है। तो जे थोनू लगता है कि पंजाब जी की है, तो वह पूछेगा भाई कि इंडस का तिब्बतियन नेम की है? पूछ सकता है जी। वो पंजाब की ज्योग्राफी के करवावगी। ये फिलहाल तुम वेखो कि इंडस के बाद आ पंज रिवर छे तो यही हो गए हैं, तो अगे सत्तवा एक सरस्वती भी है, जिन्हें तुम घग्गर के नाम के नाम नाल जो है अज के वक्तों के जानते हैं। इन मैं रब कर रही हूँ, नाल दी नाल इहदे नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो पंज रिवर ए वाले है जी, पर एक कहानी यह है कि जेडे पंजाब नूं तुसी पंज आप दे नाम नाल जानते हैं, उहदा नाम सप्त सिद्धू भी रहा है जी, ठीक है। अगला ओवरव्यू दे विच जिहड़ा टॉपिक है तुहाडा,
कि पंजाब दे अलग अलग नेम अलग अलग टाइम पीरियड दे विच, राइट। तो आओ आप शुरू करिए। पंजाब का सब तो प्राचीन नाम एंशिएंट नेम तुहाडे कोल सप्त सिद्धू ही है, तो वह सप्त सिद्धू विच केड़े सत्त दरिया है मैनू दसन की लोड़ नहीं होनी चाहिए, हुणे ही आपां गल कीती है। उहदे विच पंज ए हो गए, एक इंडस हो गया छेवां, तो एक होना जी तुहाडा सरस्वती। हाकरा के नाम नाल जाणिया जांदा, घग्गर के नाम नाल जाणिया जांदा, सोलन तो निकलता हिमाचल तो सरस्वती। लिखो जी अगला, द एंशिएंट नेम पंजाब दे प्राचीन नाम। सब तो पहला नाम तुसी लिखोगे जी सप्त सिद्धू, देखो जी जिहड़ा सप्त सिंधु है, सप्त का मतलब सैवन है, उस सैवन रिवर आ खड़े हैं जी तुहाडे कोल। हुण क्वेश्चन ये है कि सप्त सिद्धु कहा कित्थे गया पंजाब नूं, तो लिखो जरा। वेदां दे विच इहनूं सप्त सिद्धु कहा गया, वेदांस दे विच। हाउ मैनी वेदांस वी है, वी है फोर वेदांस ओनली। अगला जो नाम है जी पंजाब का नंबर दो दे उपर, उहदा नाम है जी पंचनद, या पंचनाद भी कह सकते हैं तुसी, कोई वड्डी गल नहीं हैगी जी। अगला लिखो जी कि पंजाब नू पंचनद कदों कहा गया। देखो पंजाब नू पंचनद कहण वास्ते मैनू दो एपिक पढ़ने पैने हैं जी, वो एपिक दा नाम हैगे हैं महाभारत और रामायण। तो पंजाब नू महाभारत दे विच किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा है, अगर वो ये नहीं लिखेगा तो लिखेगा कि पंजाब लई महाभारत या एपिक्स महापुराणा दे विच की नाम वरत्या गया, तो तुसी लिखोगे कि पंचनद। असल च पता कहानी की है पंचनद दी, जिहड़ा ये इंडस रिवर बाया जम्मू कश्मीर होकर पाकिस्तान दे विच जांदा है ना, इहदे विच जदों ये पंज ट्रिब्यूटरी ऐड होंदी है तो वह जिहड़ी पर्टिकुलर जगह है ना जी मिथनकोट पाकिस्तान च, वह पंच नदी है असल दे विच, उत्थे पंज नदियां इकट्ठियां होंदियां है। तो महाभारत दे विच की कहा गया पंजाब नू, पंचनाद या पंचनद, राइट, पंचनद भी कहा है, पंचनाद है असल माता। उस तो बाद जो अगला नाम पंजाब हो गया है जी आप कर चुके हैं, तीसरा नाम आप करांगे जी जो नॉर्थ वैसट एरिया तो पंजाब के उपर हमले हुए हैं जी, भारत के उपर हमले हुए हैं, तो वह जिन्ने भी लोग आए हैं वह सारे नॉर्थ वैसट रीजन चो ही आए हैं, इधरों तो एंटर किए हैं वह, तो उदो जो है ग्रीक लोग भी आए, तो ग्रीक लोगों ने पंजाब नू किस नाम दे नाल जाणिया, लिखो जी। ग्रीक लोगों ने पेंटा पोटामिया, पेंटा ग्रीक दे विच पंज हुंदा है, ते पोटामिया का मतलब ग्रीक दे विच पानी हुंदा है, उन्होंने भी इहनू पंज पानिया की धरती कहा। याद करो ग्रीक एक बंदा आया है जी भारत दे विच, अलैगजेंडर पोर्स दे नाल लड़िया ना वह, अरे मिगैस्थेनीज नहीं तो किताब दिती है इंडिका। चलो इन्ना तक मैं मन के चलती हूँ कि तुसी ग्रेजुएट हैगे तो तुहानू थोड़ी जी जानकारी पंजाब जीके बारे होनी चाहिए, अगर बिल्कुल ही बेसिक तो ही कर रहे हैं फिर थोड़ा जा ख्याल करो चीज़ों के वल, राइट। तो ग्रीक फिलोसोफर था जी तुहाडा मिगैस्थेनीज, उन्हें किताब दिती सी जी पेंटापोटामिया, अगर किसी ने याद है, मैं वेखा जरा वीडियो क्लीयर है, एकदम क्लीयर है जी तुहानू, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अगर ये उतार लिया तुसी तो फिर मैं अगे चलना होर नाम दे उपर गल करिए। कहा जाता है कि पंजाब दे विच ना टकी लोग भी रहे हैं, उन्होंने पंजाब नू टकी प्रदेश के नाम नाल भी जानिया है। अगला नाम लिखो टकी प्रदेश के नाम नाल भी जानिया है जी। अगे लिखो जी महाराजा रणजीत सिंह के टाइमों के पंजाब नू की कहा जाता। असल से देखो महाराजा रणजीत सिंह दी रियासतां सीगियां सूबा लाहौर, सूबा पेशावर, सूबा कश्मीर, ठीक है, पर उन्होंने जिहड़ी कैपिटल सी ना वह सीगी जी सूबा लाहौर, तो फिर सूबा लाहौर की कैपिटल होने करके असी पंजाब नू उन्हां वक्तां दे विच सूबा लाहौर कह रहे हैं। तो रणजीत सिंह दे टाइम दे विच लिखो जी सूबा लाहौर पंजाब दा नाम। ठीक है,
अकबर के टाइम के पंजाब का नाम की है जी? अकबर के टाइम के भी सूबा है लाहौर ही है, क्योंकि अकबर के टाइम के देखो पांच आप ते दो प्रांत सीगे, सूबा है लाहौर ते सूबा है पेशावर। ख्याल करना जी ये गल्लां नूं, कैपिटलां दे नाम दे नाल नाल ही क्वेश्चन आते होंगे, होर तो की पूछना उन्होंने तुहानू। अगे लिखो जी, जिहड़ा अज दा पंजाब है जी उहदा नाम पंजाब है, हाँ उहदा नाम पंजाब है जी, न्यू पंजाब है जी, उह साडा जिहड़ा छियाटां च इहनां ने सानूं दित्ता है ना, छाटां दे विच दित्ता है जी सानूं न्यू पंजाब। इस पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज कि है, दफ्तरी भाषा कि है जी? यदि दफ्तरी भाषा पंजाबी है, सबनों पता है, नैब तहसीलदार के पेपर का ही तो चक्कर है कि जो दफ्तरी भाषा पंजाबी है तो आर्टिकल है पंजाबी लैंग्वेज का मेरे को 1967 का, उस एक्ट अनुसार पंजाब का पेपर पंजाबी क्यों नहीं आता? नाल नाल इंग्लिश तो चलो आ ही आए, नाल पंजाबी भी आए। तो दफ्तरी भाषा का जोड़ा एक्ट है, लैंग्वेज एक्ट है 1967 का एक्ट है जी, थोड़ा जो सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पंजाब च पंजाबी तो इलावा होर केड़ियां भाषावां पढ़ाईयां जांदी हैं? ख्याल करो, सरकारी अगर तुसी कोई मुलाजम लग्या होया तां एक बक्कम बोर्ड डिपार्टमेंट है उहदे विच अगर तुसी नौकरी करनी है तो उहदे विच मैंडेटरी है कि तुसी 6 महीने का एक उर्दू का कोर्स किया होना चाहिए डिप्लोमा। तो पंजाबी तो इलावा साडी दफ्तरी भाषा दे विच कानूनी भाषा दे विच ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਰਾਈਟ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਿੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਬੱਕਮ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। अगे चलते हैं जी, आपां पंजाब दी गल करदे, पंजाब दी कैपिटल चंडीगढ़ है जी। चंडीगढ़ पर ते हल्का क्वेश्चन बिल्कुल कभी मैं पेपर च वेखण नूं नहीं वेख्या, स्टैटिक जीके चों आ सकदा, इस करके चंडीगढ़ दी जीके ना पढ़ो, पंजाब जीके वाले कृपा करके हाथ जोड़ के बेनती है बच्चे, टाइम ना खराब करो, एवें ना ज्ञानी सज्जना तो ज्ञान ले जाओ एक्सट्रा दा, पेपरां चों आना नहीं हैगा। अदर लैंग्वेज जो पंजाब च बोलियां जाणियां दैट इज़ हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। अगे चलें जी, अगे लिखें अगला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ पंजाब। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चो कई बार क्वेश्चन आया, तो अगला जो सब पॉइंट बनाए द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी वीडियो में आज, ठीक है ना? मैंने पता ज़्यादा लंबी तुसी सुनते भी नहीं है, पर रेगुलरिटी रखो ज़रा, राइट? बस फॉर्मेशन ऑफ पंजाब के बाद बंद कर देवांगी। देखो फॉर्मेशन ऑफ पंजाब की जे मैं गल करा तो पंजाब की सब तो पहली वंड 1901 दे विच लॉर्ड कर्जन ने की है। जे तुसी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लॉर्ड कर्जन आया सी 1901 तो 1905 तक, वो बंदे ने जो भारत में कदम रखिया तो उन्हें आते ही दो वंडा करनिया है जी, एक तो 1901 दे विच पंजाब की वंड, 1905 जाते जाते उन्हें बंगाल वंड जाना है। तो कर्जन के टाइम च पंजाब ते बंगाल वंडे गए हैं, याद रखियो। तो फॉर्मेशन ऑफ पंजाब सब तो पहला जितों मैं शुरू करने 1901 है जी, 1901 दे विच करजन नाम का एक व्यक्ति आएगा जी, CURZON करजन। करजन ने की किया कि पंजाब दे नॉर्थ वैसट एरिए दे विच कुछ प्रांतों नूं वक्खरा किया पंजाब तो, अते उन्हों एक वक्री प्रोविंस का नाम दिता। तो जो 1901 दे विच पंजाब दी फॉर्मेशन करजन ने की है जी, तो उन्हें इनू नाम दिता है जी, लिखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1901 दे विच करजन ने बनाई है जी, ठीक है ना? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस करजन ने बनाई है, पंजाब दे विचों छोटे छोटे हिस्सों नूं अलग करके एक राज बना दिता सीगा। अगली फॉर्मेशन पंजाब दी आओ जी मैं थोनू करवावां 1911 दे विच।
1911 याद करो कि अंग्रेज़ों ने बंगाल कलकत्ता तो अपनी कैपिटल चेंज करके दिल्ली लै गए सीगे, जो तो दिल्ली दरबार भी सजे है ना, जो तो दिल्ली दरबार सजे तो जॉर्ज फिफ्थ भी इंडिया आया। याद है अगर किसी अगर मेरे को क्लास पढ़ते हैं बच्चे तो आप बड़े सोहने तरीके पढ़े है ना, 1911 पार्टीशन ऑफ बंगाल रिपील हुई है तो 1911 दिल्ली दरबार सजे आए। तो 1911 जड़ी कैपिटल शिफ्ट की अंग्रेजा ने कैलकटा टू दिल्ली, तो थोड़ा पता है कि दिल्ली के थोड़ा जहा पार्ट पंजाब का भी होया है जी। हुण मेरा तुहानू क्वेश्चन ये है कि जिहड़े बच्चे सच्ची और सीरीयस होकर पढ़ रहे हैं तो मैं ऐ दस दियो कि 1911 जो भारत का वाइसराय कौन सीगा, मतलब कि किने जो है वह कैपिटल चेंज की है ना 1911। याद रखो 1911 जी दिल्ली कैपिटल बनी है ना जी, वो भी जी थोड़ी जी जगह है पंजाब तो कट के बनी है, तो दूजी फॉर्मेशन हो गई है। अगली फॉर्मेशन आप करन लगे हैं जी पंजाब की 1947, ठीक है ना जी। तो अगली फॉर्मेशन आप करान लगे हैं जी 1947 की फॉर्मेशन, मैनू नहीं लगता भी किसी बच्चे ने जो है वो नहीं पढ़ी हुई है। 1947 की फॉर्मेशन वास्ते याद करो कि माउंटबैटन नाम का एक वाइसराय भारत आऊगा, वह बंदा अपने नाल एक बाउंड्री कमीशन लैके आऊगा, उस बाउंड्री कमीशन का जो हैड है वह नाम सीगा सर साइरल रेडक्लिफ, सर साइरल रेडक्लिफ। बाउंड्री कमीशन का जो चेयरमैन है वह नाम सीगा सर साइरल रेडक्लिफ, और उस भाई साहब न बहुत घट समा दिता गया। कभी सर साइरल रेडक्लिफ की किताब पढ़ियो, दसदा है कि मैं पहली बारी भारत आया तो मेरे अगे इन्हों ने ढाई सॉरी डेढ़ दो महीने का वक्त दिता, तो मैनू कहें कि तू पार्टीशन कर दे है ना, तो फॉर्मेशन कर दे नवें पंजाब की, कहना मैं किवें करदा। एक बार में मैं सर साइरल रेडक्लिफ कहता कि एक बार में मैं सोचा कि मैं लाहौर इंडिया दे देव, कहता फिर मैं सोचा कि फिर पाकिस्तान के कोल वड्डा शहर नहीं रह जाना कोई है ना। तो जिहड़ी आज़ादी सानू अज दित्ती हुई है कोई सोहनी आज़ादी नहीं हैगी, ठीक है ना, इहदे वास्ते नहीं असी कुरबानियां दित्तियां सीगियां। चलो एनी हाओ सर साइलर रेडक्लिफ तो 1947 जो पंजाब की फॉर्मेशन होनी है तो पाकिस्तान बन जाना है जी, लहिंदा पंजाब तो चढ़दा पंजाब बिल्कुल। एक किस प्लान के अंडर होया, तो गौरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ऑलसो नोन एज माउंटबैटन प्लान, राइट, माउंटबैटन प्लान, वो अनुसार ही अपन आज़ादी मिली। अगली फॉर्मेशन जी तुसी करनी है जी, अगली फॉर्मेशन तुसी करनी है 1948, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। वेखो ये बोर्ड दिखता है कि मैं इनू उपर लिखा, बिल्कुल दिखता। देखो बच्चे 1948 होया कि कुछ जड़े रियासता सीगियाँ, और रियासत कहनी है कि असी जो है वह प्राइम मिनिस्टर या सरकार के अंडर काम नहीं करना है, असी तो आज़ाद ही आए तो आज़ाद ही जावे। उमें दी 8 रियासत सीगियाँ जिन्हां तुसी पेप्सू के नाम नाल जानते हैं। 1948 वल्लभ भाई पटेल एक सियाने व्यक्ति सीगे, वह कहें कि जिमें चलता पे उमें चलाओ काम, तो फिलहाल इन्हों नूं एवें रखो अलग ही। तो 1948 पेप्सू की फॉर्मेशन हुई है, तो वह फॉर्मेशन भी पंजाब की फॉर्मेशन ही है। तो पेप्सू के 8 रियासत सीगियाँ जी, उन्होंने 8 रियासत अलग तो प्रोविंस बना के दिती, उस प्रोविंस की फुल फॉर्म तुहानू आनी चाहिए है जी, जरूर आनी चाहिए है। तो देखो नूं याद करन दा एक ट्रिक है, ये जिहड़ा पी है ना पहला ये पटियाला है, क्योंकि पेप्सू की कैपिटल भी पटियाला सीगी। तो पटियाले दे ईस्ट पंजाब दे विच जिन्नियां भी स्टेट्स सीगियां ना जी, उन्हां दी एक यूनियन बना दित्ती गई, तो उन्हूं पेप्सू का नाम दे दिता गया, तो पेप्सू की कैपिटल रखी गई पटियाला। सोहनी गल है, ये उप प्रमुख तो राज प्रमुख लगाए गए, उप प्रमुख तो राज प्रमुख लगाए गए इन्हां दे, ते जिहड़ी पटियाले दी कैप सॉरी पेप्सू की जिहड़ी कैपिटल की रखी गई जी, पटियाला रखी गई जी, ठीक है। आओ जरा अगे चलते हैं कि पेप्सू की कैपिटल है जिहड़ी पटियाला रखी गई है, जिहदे उपराज प्रमुख तो राज प्रमुख लगाए गए, तो उपराज प्रमुख है जिहड़ा तो राज प्रमुख है पटियाले कपूरथला दे लगाए गए सीगे, राइट। यादविंदर सिंह जी जिहड़े हैगे आ उहदे की लगाए गए सीगे,
ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਪੈਪਸੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੈਪਸੂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 17ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 18ਵੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ 17ਵਾਂ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਐਡੇ ਹਲਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।